हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम। इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूँ आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर, और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज वरिंग डज नॉट टेक अवे टुमोरोज ट्रबल्स बट इट डेफिनेटली टेक्स अवे टुडेज पीस। यानी कि चिंता करने से, हम बोलते हैं हिंदी में कहावत है चिंता चिता समान है, ठीक है। चिंता करने से जो आने वाले कल की मुसीबतें हैं वो तो खत्म नहीं होंगी, राइट, लेकिन चिंता करने से आपके आज के जीवन में जो सुख शांति है वो भी नष्ट हो जाएगी, खो जाएगी। क्योंकि आपको अपना अधिकतम समय, जो आपको इस वक्त छोटी छोटी खुशियां मिल रही हैं, उनको आप नजरअंदाज करते रहेंगे, और आने वाले भविष्य में ऐसा हो जाएगा, अगर ऐसा हो गया तो क्या करेंगे, आप इस चिंता में डूबे रहेंगे, ठीक है। तो उस चिंता को छोड़ के जो आपके पास में आज है उसको यूटिलाइज करो। अगर आपको किसी चीज की चिंता है कि मुझे कल को ऐसा झेलना पड़ जाएगा, तो उसको आज का यूटिलाइज करके उस चीज को बदलने की कोशिश कर लो, राइट। चिंता करके तो वो सॉल्व नहीं हो रही, लेकिन हो सकता है कि आपके कुछ एक्शन लेने थे, वो चीज आगे फ्यूचर में आपके साथ हो ही ना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर SSCGL 2024। डिस्पाइट द फैक्ट दैट अटेम्प्ट्स टू प्रोवाइड रिजर्वेशन इन जॉब्स फॉर लोकल वर्कर्स हैव बीन प्रूवन अनकॉन्स्टिट्यूशनल, बोल रहे हैं, हालांकि ये तथ्य रहा है कि भाई जितने भी प्रयास किए गए हैं, अटेम्प्ट्स किए गए हैं किस चीज़ के लिए, रिजर्वेशन प्रोवाइड करने के लिए जॉब्स में लोकल वर्कर्स को, वो असंवैधानिक प्रूव हुए हैं एंड हैव बीन रिजेक्टेड बाय कोर्ट्स, और अलग अलग कोर्ट्स द्वारा उनको रिजेक्ट किया गया है। द टेम्पटेशन टू पैंडर टू नेटिविस्ट सेंटिमेंट्स रिमेन अमंग स्टेट गवर्नमेंट्स, लेकिन फिर भी ये जो प्रलोभन है, लालच है कि भाई क्या करें, बढ़ावा दे, पैंडर करना मतलब बढ़ावा देना किस चीज को, नेटिव, नेटिव मतलब कि भाई हम यहाँ के मूल निवासी हैं, इस चीज को बढ़ावा देना, इन इमोशंस को बढ़ावा देना, ये हम स्टेट गवर्नमेंट्स का अहम हिस्सा रहता ही रहता है। अ केस इन पॉइंट इज द ड्राफ्ट कर्नाटका स्टेट एम्प्लॉयमेंट फॉर ऑफ लोकल कैंडिडेट्स इन द इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज एंड अदर एस्टेब्लिशमेंट्स बिल 2024 क्लियर्ड बाय द कांग्रेस गवर्नमेंट्स कैबिनेट, बट लेटर टेम्पररीली विदहेल्ड फॉलोइंग एन अप्रोर फ्रॉम इंडस्ट्री हेड्स एंड ट्रेड बॉडीज इन कर्नाटका। बोल रहे हैं कि ऐसा ही कुछ यहाँ पे कहाँ देखने मिला, कर्नाटका में एक केस इन पॉइंट, मतलब एक उदाहरण के तौर पे ये केस कहाँ देखने मिला, कर्नाटका की स्टेट असेंबली में एक बिल पास हुआ, कर्नाटका स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स इन इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज एंड अदर एस्टेब्लिशमेंट्स बिल 2024, जो कि कांग्रेस सरकार द्वारा क्लियर किया गया, कांग्रेस कैबिनेट द्वारा, ठीक है, और बाद में उसको टेम्पररी तौर पे विदहेल्ड मतलब रोक दिया गया, फॉलोइंग किसकी वजह से, क्योंकि अप्रोर, अप्रोर मतलब हंगामा हो रहा था इंडस्ट्री हेड्स और ट्रेड बॉडीज की तरफ से कर्नाटका। द बिल एनवाइसेज दैट इंडस्ट्रीज एंड अदर एस्टेब्लिशमेंट्स वुड अपॉइंट लोकल कैंडिडेट्स इन 50% ऑफ मैनेजमेंट पोजिशंस एंड 70% ऑफ नॉन मैनेजमेंट पोजिशंस। बोल रहे हैं ये जो बिल है ये इमेजिन करता है, यानी कि ये एंटिसिपेट करता है, हवाला देता है, क्या चाहता है ये बिल, कि 50% जो मैनेजमेंट पोजीशंस हैं उनको उनमें लोकल कैंडिडेट्स को अपॉइंटमेंट मिले, और 70% जो नॉन मैनेजमेंट पोजीशंस हैं उनमें 70% उनके लोकल कैंडिडेट्स को अपॉइंटमेंट मिले, एंड सेट स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया फॉर डिफाइनिंग लोकल कैंडिडेट्स, और जो लोकल कैंडिडेट्स कौन होंगे इसके लिए भी कठोर पैरामीटर्स वहां पे लागू किए जाएंगे डिफाइन करने के लिए कि कौन कौन कैंडिडेट्स हैं जो लोकल माने जाएंगे। सिमिलर बिल्स वर पास्ड इन आंध्र प्रदेश इन 2019, हरियाणा इन 2020 एंड झारखंड इन 2023। बोल रहे हैं इसी तरीके के बिल्स आंध्र प्रदेश में 2019 में, हरियाणा में 2020 में और झारखंड में 2023 में पास किए गए थे। वाइल द कर्नाटका बिल एडेड प्रोफिशियंसी इन कन्नड़ एज वन ऑफ द क्राइटेरिया टू डिफाइन एलिजिबिलिटी ऑफ अ लोकल कैंडिडेट, लेकिन जो कर्नाटका बिल है उसमें एक चीज ऐड की गई कि बंदा जो है, जो भी कैंडिडेट बोल रहा है कि भाई मैं यहाँ का नेटिव हूँ, उसको कन्नड़ आनी चाहिए, उसकी कन्नड़ में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, ये क्राइटेरिया उन्होंने ऐड किया कि भाई कौन कैंडिडेट लोकल डिफाइन किए जाएंगे, उसमें कन्नड़ स्पीकिंग भी होना चाहिए। द हरियाणा एंड आंध्र प्रदेश लॉज वर लार्जली बेस्ड ऑन रेसिडेंसी क्राइटेरिया, लेकिन जो हरियाणा और
आंध्र प्रदेश के लॉज थे वो रेजिडेंसी की, ये लोग इतने सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, हैंस वो हरियाणा के नागरिक हैं, इस चीज़ का उनको प्रमाण देना था, ठीक है। उस क्राइटेरिया के ऊपर ये बिल्स तैयार किए गए थे हरियाणा और आंध्र प्रदेश के। द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट क्वॉश द हरियाणा एक्ट इन 2023, बोल रहे हैं पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने क्वॉश करना, क्वॉश करना मतलब खारिज करना, रद्द करना, ठीक है, हरियाणा एक्ट को 2023 में रद्द कर दिया। इट होल्डिंग इट वायलेटिव ऑफ इक्वालिटी गारंटेड अंडर आर्टिकल 14 एंड फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और किन ग्राउंड्स पे इनको मना किया, किन ग्राउंड्स पे इसको रद्द किया गया, ये कहते हुए कि आर्टिकल 14 के अंदर जो बराबरी का अधिकार दिया गया है ये उसका उल्लंघन करता है, और आर्टिकल 19 के अंदर जो फ्रीडम का, आज़ादी का अधिकार दिया गया है ये उनका वायलेशन करता है जो कि असंवैधानिक है, ठीक है। इट एडेड दैट द एक्ट वेंट अगेंस्ट द राइट्स ऑफ सिटीजन्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री, बोल रहे हैं इसमें ये भी कहा गया कि ये जो एक्ट है वो जो जितने भी देश के नागरिक हैं देश भर में अलग अलग स्टेट्स में उनके विपरीत जाता है, उनके अगेंस्ट में जाता है। एंड दैट स्टेट्स एनैक्टिंग सच लॉज कुड सेट अप आर्टिफिशियल वॉल्स थ्रू आउट इंडिया, और अगर स्टेट्स इस तरीके के लॉज लगाएंगे, इस तरीके के लॉज लेकर आएंगे तो इससे एक बैरिगेटिंग सी बन जाएगी, एक आर्टिफिशियल इनविजिबल सी वॉल बन जाएगी पूरे देश भर में। अब होगा क्या, कर्नाटका ने लागू कर दिया, मान लो सभी स्टेट्स ने लागू कर दिया ये, ठीक है कि भाई नहीं आ सकते एक दूसरे के स्टेट में, इतने कैंडिडेट्स हमारे होंगे, तो जब इतने इतने कैंडिडेट्स आप अपने ही डिमांड कर लोगे कि भाई हमारे कैंडिडेट्स होने चाहिए, तो आज आपने देखा होगा कोई पंजाब का बच्चा है जो बैंगलोर में जाके जॉब कर रहा है, वो चीज़ कम हो जाएगी। यूपी के लोग जो हैं मतलब महाराष्ट्र जाके काम कर रहे हैं, महाराष्ट्र के लोग जो हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट वैकेंसीज का रोल क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट वैकेंसीज भी बंद कर देनी चाहिए, ठीक है। आर्मी में भी स्टेट वाइज आर्मी डिक्लेयर कर दो और फिर उन्हीं को उसी तरीके से रिक्रूट करो, ऐसा नहीं हो सकता। आप ऐसे पब्लिक सेक्टर के ऊपर नहीं कर सकते फाउंडेशन, क्योंकि उनकी अपनी प्रेफरेंसेस हैं, उनको जो सूटेबल कैंडिडेट लगेगा वो उसको हायर करेंगे, ठीक है, उनके पास में ये आज़ादी है, जो सूटेबल उनको कैंडिडेट लगेगा चाहे वो किसी भी स्टेट रीजन से आता हो वो हायर कर सकते हैं। सेम गोज विद कर्नाटका का कोई बंदा हिमाचल में जाके भी जॉब कर सकता है किसी कंपनी में, राइट। ये ओपननेस है तभी और सब लोग काम कर रहे हैं एक दूसरे में, इतना जो बोलते हैं कि ट्रैवल करके इतना माइग्रेट होके इधर से उधर जाके तो लोग काम कर रहे हैं, वो इसी पर्पस से कर रहे हैं, यही कारण है कि उनको आज़ादी है काम करने की। लेकिन अगर आप ये तरीके की फाउंडेशन लगा देंगे, पहली बात तो कंपनीज ऐसी फाउंडेशन के साथ में काम करना क्यों चाहेंगी, ठीक है, तो वो कंपनीज यहाँ से उठ खड़ी होंगी, कर्नाटका ऐसे स्ट्रिंजेंट लॉज लेकर आएगा तो कर्नाटका से उठ खड़ी होंगी, जहाँ पे ऐसा कठोर नियम नहीं होगा वो उस स्टेट में चल जाएंगी, ठीक है। मान लो कि हमारे पूरे इंडिया के सभी स्टेट्स ऐसा लागू कर देते हैं तो फिर कंपनीज यहाँ से बाहर निकलना ज़्यादा प्रेफर करेंगी, ठीक है। और जो बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज हैं आप उनके ऊपर फाउंडेशन लगा पाएंगे कि भाई नहीं इतने परसेंट तो आप हमारे यहाँ के लो, तो फिर वो कंपनीज यहाँ पे काम ही नहीं करेंगी और हमारे फिर रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, हमारे इकोनॉमी ठप पड़ जाएगी, राइट। द आंध्र प्रदेश एक्ट इज स्टिल बींग हर्ड इन कोर्ट, अभी आंध्र प्रदेश एक्ट के ऊपर अभी सुनवाई चल रही है कोर्ट में, व्हाइल द झारखंड बिल हैज नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड, वहीं झारखंड बिल जो था वो लागू नहीं किया गया, अपार्ट फ्रॉम द अफोर मेंशन रीजंस। अब जो उपरोक्त कारण दिए गए हैं उनके अलग, उनसे अलावा द कर्नाटका बिल इज ऑल्सो वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 16(3) दैट अलाउज फॉर रिजर्वेशन बेस्ड ऑन रेजिडेंस, बोल रहे हैं इनके अलावा कर्नाटका बिल जो है आर्टिकल 16(3) का भी उल्लंघन करता है, जिसमें कहा गया है कि रिजर्वेशन रेजिडेंस के आधार पे होना चाहिए, यानी कि कोई व्यक्ति कहाँ पे रह रहा है उसके आधार भी हो सकता है, उसको ये वायलेट करता है, उल्लंघन करता है। बट लिमिट्स इट टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एंड टू बी इन्फोर्स्ड ओनली बाय अ लॉ मेड इन पार्लियामेंट एंड नॉट बाय अ स्टेट लेजिस्लेचर, लेकिन इसकी लिमिटेशन क्या है कि ये पब्लिक एम्प्लॉयमेंट तक ही है सीमित, और ये तभी इन्फोर्स हो सकता है जब इसका संवैधानिक संशोधन करके पार्लियामेंट के जरिए कोई लॉ बनाया जाए, स्टेट लेजिस्लेचर इस तरीके का लॉ नहीं बना सकते, ठीक है, ये इनका कहना है। द टेम्पटेशन फॉर द कर्नाटका गवर्नमेंट टू कम अप विद बिल्स दैट प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन फॉर लोकल्स एंड लेबर प्रोटेक्शनिज्म डिस्पाइट देयर प्रूवन अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी
इज परहैप्स मोटिवेटेड बाय द फैक्ट दैट देयर इज रिसेंटमेंट अमंग रेजिडेंट वर्कर्स इन बेटर ऑफ स्टेट्स दैट देयर जॉब्स आर बींग टेकन ओवर बाय माइग्रेंट वर्कर्स। देखो, ये सेम वही सिनारियो है जो यूएस कैनेडा में हमारे भारतीय नागरिक जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं और जो जॉब एस्पिरेंट्स हैं, वो फेस कर रहे हैं। वहाँ के लोग भी ये मानते हैं कि हम एशियंस ने, स्पेशली इंडियंस ने क्या किया है, उनकी जॉब्स को खा गए, हम उनको जॉब दे नहीं रहे। लेकिन ये समझना मुश्किल हो जाता है कि स्किल एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है जॉब मार्केट की। जिसके पास स्किल होगा, चाहे वो किसी भी एरिया से, किसी भी इंस्टीट्यूशन से आता होगा, वो उनको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, ये हम भूल जाते हैं। तो सेम यहाँ पे जो कर्नाटका गवर्नमेंट की मंशा है, उनका लालच है कि बार बार वो इस तरीके का, जो ये इस तरीके का बिल लेकर आए हैं लोकल रिजर्वेशन प्रोवाइड करने के लिए और प्रोटेक्शनिज्म की जो ये कहानी लेकर आए हैं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और ये शायद इस चीज़ से मोटिवेटेड है कि लोगों के अंदर, जो लोग नागरिक हैं, उनके अंदर गुस्सा है। किस चीज़ का गुस्सा है कि भाई उनको लगता है कि दूसरे स्टेट से आकर के लोग, इनसे बेहतर स्टेट से आकर के लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आएंगे और हमारी जॉब्स ले जाएंगे, हमें, हमारे बच्चों को जॉब्स नहीं मिलेंगी, मिल रही, ये उनका मानना है। दिस इज स्पेशली सो अमंग दोज एस्पायरिंग फॉर जॉब्स इन प्राइवेट सेक्टर। और ये कहानी खास तौर पे उन लोगों के बीच में है जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स पाना चाहते हैं, करना चाहते हैं। वेयर सम एम्प्लॉयर्स हैव सॉट टू एक्सप्लॉइट माइग्रेंट वर्कर्स टू वर्क फॉर लॉन्गर आवर्स एंड एट लोअर पे विदाउट बेनिफिट्स ऑफ सोशल प्रोटेक्शंस एंड विदाउट पॉलिटिकल सपोर्ट दैट इज अदरवाइज अवेलेबल टू लोकल वर्कर्स। और क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि कुछ एम्प्लॉयर्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो माइग्रेंट वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं। क्योंकि अब माइग्रेंट वर्कर्स का तो कोई लोकल लीडर भी सुनेगा नहीं, ठीक है, वो भी बोलेगा कि अच्छा तुम्हें इतनी दिक्कत है, तुम अपने स्टेट में जाकर जॉब करो, तो कोई लोकल लीडर उनका सुनेगा नहीं, उनके पास में कोई सोशल प्रोटेक्शन है नहीं, तो उनको वो ज़्यादा घंटे काम करा सकते हैं कम तनख्वाह देकर, राइट? तो उनका एक्सप्लॉयटेशन आसानी से हो जाता है। और क्योंकि उनके पास में कोई सोशल प्रोटेक्शन जैसे बेनिफिट्स नहीं है, कम सैलरी में वो काम करने को तैयार हो जाते हैं, पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं है, तो लोकल वर्कर्स को काम नहीं मिलता, ये उनका मानना है। इफ कर्नाटका इज कंसर्न्ड अबाउट दिस सेगमेंटेशन ऑफ लेबर मार्केट, अगर कर्नाटका को इस विभाजन से चिंता ही है, वाकई में चिंता है लेबर मार्केट के इस विभाजन से, दैट पिट्स द माइग्रेंट वर्कर्स अगेंस्ट द लोकल्स, जिसमें कि माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं वो लोकल वर्कर्स के खिलाफ खड़े हो जाएं, इट शुड एनफोर्स लेबर राइट्स फॉर द फॉर्मर एज वेल। तो उनको माइग्रेंट वर्कर्स के लिए भी लेबर राइट्स का इस्तेमाल करना चाहिए, लेबर राइट्स को लागू करना चाहिए, एंड बाय कर्बिंग एक्सप्लॉयटेटिव प्रैक्टिसेस। और जहाँ पे ये इनका एक्सप्लॉयटेशन रुक जाता है, इट कुड क्रिएट अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर ऑल वर्कर्स। तो ये संभावना हो सकती है कि सभी वर्कर्स के लिए बराबरी का एक मौका मिल जाए। क्योंकि मैं, मान लो, एक एम्प्लॉयर हूँ, मुझे अगर कोई 8,000 रुपये में 6 घंटे काम करने वाला व्यक्ति मिल रहा है और आप मुझसे 12,000 मांग रहे हैं, तो मैं आपको क्यों रखूंगा या रखूंगी? मुझे 8,000 वाला ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं रहेगा, उससे मैं 8 के बजाय 10 घंटे भी काम करा सकती हूँ, 6 के बजाय 8 घंटे भी काम करा सकती हूँ, राइट? क्योंकि और वो दूर से आया है, तो वो अपने घर भी नहीं जा सकता, उसको अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी पे करनी है, और यहाँ पे क्योंकि उसकी फैमिली वगैरह भी नहीं है, तो उसको ये भी नहीं है चिंता कि भाई मेरे को घर जाके जल्दी जाना है, अपने परिवार के पास जाना है। लोकल वर्कर्स की तो ये परेशानियां रहेंगी, उनके तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई मर जाएगा, कोई किसी ना किसी की शादी हो जाएगी, कोई बीमार हो जाएगा प्रियजन, तो फिर उनको तब छुट्टियां चाहिए। अब जो इतनी दूर से, दूर स्टेट से आया है कोई बंदा, वो हर त्योहार पे, हर फेस्टिवल पे, हर छोटी बड़ी बीमारी पे तो घर नहीं जा पाएगा, राइट? तो वो क्या करेगा, साल में कभी एक आध बारी जाएगा, दो बारी इमरजेंसी होगी तो 3 बारी चला गया। लेकिन लोकल वर्कर्स के तो ये भी नखरे रहेंगे कि भाई अब तो मेरे चाचे के, ताए के, फुफ्फड़ के, पता नहीं किसके किसकी शादी आ गई, अब मेरे को वहां पे जाना है, मुझे छुट्टी चाहिए, राइट? तो ये बहुत सारी चीजें हैं, किसी एक चीज के ऊपर इंडस्ट्री नहीं चलती, बहुत सारी चीजें सोच समझ के जो एम्प्लॉयर है वो बहुत सारी चीजें सोच के लोगों को हायर करते हैं। आप में से अगर कहीं किसी की बहन वगैरह कोई होंगी जो कभी प्राइवेट सेक्टर में कहीं इंटरव्यू देने गए होंगे, एक सवाल बहुत कॉमन सा लड़कियों से पूछा जाता है कि क्या आप शादी तो नहीं करने वाले हैं, अभी 1-2 साल में आप शादी तो नहीं करने वाले हैं?
क्यों उनको ये सवाल पूछना ज़रूरी है? क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि हम इतना टाइम एंड मनी इन्वेस्ट करेंगे, तो आप कहीं शादी करके चले गए तो हमारा तो इतना टाइम एंड एफर्ट वेस्ट हुआ। ठीक है, आपने तो सिर्फ अपना पैसा कमाया और गए, लेकिन एक बंदे को ट्रेन करने में कितना एफर्ट लगता है? ठीक है, वो सारी टोटल कॉस्ट जो है वो काउंट करती है, फिर उसके बाद में वो देखते हैं कि हमें इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, उस हिसाब से व्यक्ति को वो हायर करेंगे। तो ये अगर बोल रहे हैं कि सरकार को वाकई में ये चिंता है, तो उनको माइग्रेंट वर्कर्स के एक्सप्लॉयटेशन को रोकना चाहिए। अगर उनका एक्सप्लॉयटेशन रुकेगा तो सेम वेज पे दोनों ही जब काम करने को रेडी हैं, 10,000 ही मैं आपको दे रही हूँ, 10,000 ही मैं किसी और व्यक्ति को दे रही हूँ, दोनों ही 8 घंटे काम करेंगे, तो मेरे को क्या फर्क पड़ता है कि लोकल है, मेरे को क्या फर्क पड़ता है कि बाहर से आया हुआ माइग्रेंट वर्कर है, जब मैंने देने 10,000 ही है। लेकिन जहां मैंने इसको 8,000 में काम करवा सकती हूँ 8 घंटे, इसको 10,000 देने पड़ेंगे, तो वहां मेरे को फर्क पड़ेगा कि मैं माइग्रेंट को ही हायर करूंगी। राइट, प्रोटेक्शनिज्म फॉर द लोकल वर्कर एंड प्रो पैरोसियलिज्म इज नॉट द आंसर। कि प्रोटेक्शनिज्म लोकल वर्कर्स के लिए, तो प्रोटेक्शनिज्म और नैरो माइंडेडनेस रखने से आपको इस मसले का हल नहीं मिल सकता। इसके लिए आपको बहुत बड़ी और गहरी सोच विचार करके, बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था पैसेज। हुआ क्या है कि कर्नाटका में एक बिल पास किया गया, कांग्रेस की सरकार है वहाँ पे, उन्होंने बिल पास करवाया है। उस बिल का उद्देश्य था कि लोकल वर्कर्स को प्राइवेट सेक्टर जॉब्स में बेनिफिट दिया जाए, 50% to 70% रिजर्वेशन अलग अलग पोजीशंस के अकॉर्डिंग, मैनेजमेंट नॉन मैनेजमेंट पोजीशंस के अकॉर्डिंग उनको सीट्स मिले। कारण क्या बताया गया? कारण बताया गया कि भाई जो लोकल लोग हैं उनके अंदर गुस्सा है कि बाहर के लोग आके हमारी जॉब्स खा जा रहे हैं और हमारे पास जॉब्स नहीं। राइट, अब ये चीज़ तो हो गई, लेकिन कारण तो इनके बहुत गहरे हैं, वो तो किसी ने समझे नहीं। कारण गहरे ये हैं कि भाई जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको, उनके अधिकारों की कोई बात नहीं करता, तो वो कम सैलरी में भी ज़्यादा काम करने को मजबूर हैं, और जो एम्प्लॉयर है वो उनको एक्सप्लॉयट भी कर रहे होंगे कई जगह पे। अब ऐसा नहीं कि हर जगह पे हो रहा होगा, लेकिन कई जगह पे हो रहा होगा। और जहाँ पे वही चीज़ बात आ गई कि मेरा अगर कॉस्ट कट हो रहा है, मैं एक माइग्रेंट वर्कर को हायर करके ज़्यादा कम पैसे में ज़्यादा काम करवा सकती हूँ, तो मैं लोकल वर्कर को हायर करके उसी काम के ज़्यादा पैसे और प्लस उनके नखरे क्यों उठाऊंगी? राइट, दूसरी चीज है, बहुत इसमें जैसे और भी बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, तो सरकार को सलाह दी गई कि भई आपका ये फैसला गलत था, और वैसे भी असंवैधानिक है, क्योंकि इस तरीके के फैसले और भी कई जगह पे लिए गए हैं, दो तीन जगह के नाम बताए, आंध्र प्रदेश के, हरियाणा के, झारखंड के, और वहाँ के भी दो केसेस को तो भई रद्द कर दिया, हरियाणा के केस को रद्द कर दिया गया, आंध्र प्रदेश के ऊपर सुनवाई चल रही है, और झारखंड का ये बिल लागू ही नहीं किया गया। और अगर इस तरीके से हम लागू करने लगे बिल्स, तो फिर एक इनविजिबल सा बैरियर क्रिएट हो जाएगा वो सभी स्टेट्स के अंदर हिंदुस्तान में, और फिर इधर से उधर जाके लोग जॉब कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये था पैसेज। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है, व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द पॉसिबल इम्पैक्ट ऑफ द कर्नाटका बिल ऑन द नेशनल जॉब मार्केट? बोल रहे हैं नेशनल जॉब मार्केट के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है? द बिल वुड लाइकली इन्हांस जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर नॉन लोकल्स इन कर्नाटका। कि नॉन लोकल्स के लिए कर्नाटका में जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी, तो उन्हीं की तो जॉब अपॉर्चुनिटीज छीनी जा रही हैं। 50% सीट मैनेजमेंट में, 70% नॉन मैनेजमेंट में अगर उनसे ले ली गई, तो एक तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रही, बराबरी का अधिकार नहीं रहा। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज कम हो जाएंगी उनकी, तो अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी कैसे? कम हो गई ना, इनकरेक्ट है। द बिल कुड क्रिएट अ फ्रैगमेंटेड जॉब मार्केट विद इंक्रीज रीजनल बैरियर्स। बिल्कुल करेक्ट है कि जॉब मार्केट में टुकड़े टुकड़ों का, टुकड़े टुकड़ों जैसा, छोटे छोटे ग्रुप्स जैसा ग्रुपिज्म बन जाएगा, और रीजनल बैरियर्स जो बोला ना कि इनविजिबल डिवाइड, आर्टिफिशियल वॉल बन जाएगी, वो क्रिएट हो जाएगा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज द कर्नाटका बिल वायलेट बाय एनफोर्सिंग रिजर्वेशन बेस्ड ऑन रेजिडेंस? बोल रहे हैं कि अगर रेजिडेंस के ऊपर बेस्ड रिजर्वेशन देते हैं, तो किसका उल्लंघन, कर्नाटका बिल किस लॉ का उल्लंघन करेगा? जहाँ पे बात आई रेजिडेंस की, तो आर्टिकल 16(3) की बात की जा रही थी। ठीक है, सो ऑप्शन ए आर्टिकल 16(3) इज करेक्ट। द कर्नाटका बिल ऑन रिजर्विंग जॉब्स
फॉर लोकल्स इज डिस्क्राइब्ड एज डैश ड्यू टू इट्स पोटेंशियल टू क्रिएट लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट्स। तो क्या करार दिया गया इस बिल को? असंवैधानिक बोला गया, बोल रहे हैं कर्नाटका बिल जो आया है रिजर्वेशन के ऊपर, जो कि जॉब्स के अंदर लोकल्स को दिया जाने वाला है, उसको डिस्क्राइब किया गया है एज डैश। क्यों किया गया ऐसा? क्योंकि उसके अंदर संभावना है कि वो लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट्स यानी कि कानूनी मतभेद और संवैधानिक मतभेद पैदा कर सकता है। बेनिफिशियल, तो मतभेद पैदा करा तो बेनिफिशियल तो नहीं होगा, इनकरेक्ट है। इनोवेटिव, कुछ नया लेकर आए हैं, नया नहीं है, हरियाणा ने पहले ला चुका है, इसके बाद में आंध्र प्रदेश ने ला चुका है, झारखंड ने ला चुका है, तो इनोवेटिव तो नहीं है, इनकरेक्ट है। सेल्फ डिफीटिंग, बिल्कुल सही है, सेल्फ डिफीटिंग है, ये खुद को ही हराने वाला है, खुद ही ये बिल अपने आप को नकार रहा है, क्योंकि ये असंवैधानिक है और लीगली इनकरेक्ट है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Why does the passage suggest that Karnataka's proposed bills for reservation for locals might be unconstitutional? क्यों कहा गया कि यह संवैधानिक है? क्योंकि उनने बोला कि दो तीन लॉज बताया उनने, कि एक तो ये जो आपका बराबरी का अधिकार है उसका उल्लंघन करता है, आपको जो आज़ादी है उसका उल्लंघन करता है, उसके अलावा ये रेजिडेंस के बेस के ऊपर जो लॉज हैं से आर्टिकल 63 उसका उल्लंघन करता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। दे डिसरिगार्ड द इकोनॉमिक बेनिफिट्स माइग्रेंट वर्कर्स ब्रिंग टू द स्टेट, की जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स माइग्रेंट वर्कर लेकर आते हैं किसी भी स्टेट के लिए, उनको ये डिसरिगार्ड करते हैं। करेक्ट है ये चीज़, लेकिन यहाँ पे जो किसी की डिसरिगार्ड करना अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं हो जाता। ठीक है, आप किसी को नापसंद कर सकते हैं, आप किसी से घृणा कर सकते हैं, पर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं हो जाएगा। दे डू नॉट कंप्लाई विद द प्रिंसिपल्स ऑफ फेडरलिज्म एंड इक्वालिटी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल करेक्ट है कि ये बराबरी के अधिकारों के विरोध में है, फेडरलिज्म के अधिकारों के विरोध में है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। वट इज द टोन ऑफ द पैसेज? पैसेज का टोन क्या है? पॉजिटिव तो नहीं है, क्योंकि राइटर ने इसको बिल्कुल ना सिरे से नकार दिया ना, तो ऑप्टिमिस्टिक तो बिल्कुल नहीं है, न्यूट्रल भी नहीं है, मजाक भी नहीं है। कैसा है? क्रिटिकल है, क्योंकि राइटर ने इस बिल को सिरे से खारिज करा और कहा कि इस तरीके के नैरो माइंडेडनेस अपनाने से बात नहीं बनेगी, शॉर्ट साइटेडनेस से बात नहीं बनेगी, आपको बड़ी अपॉर्चुनिटी देखनी पड़ेगी और इन डिटेल स्टडी करके इसके ऊपर आपको रिसर्च करके बात करनी चाहिए। द स्ट्रीट्स आर एम्प्टी टूडे एज डैश अ हॉलीडे एज, तो आज सड़कें खाली हैं क्योंकि आज हॉलीडे है। ठीक है, तो टूडे एज इट्स अ हॉलीडे, तो क्या आएगा? इट इज, यानी कि क्योंकि आज हॉलीडे है, इट इज अ हॉलीडे, आगे टूडे जो है वो अंडरस्टूड है। ठीक है, इट इज अ हॉलीडे टूडे, तो क्या होगा? इट इज, यानी कि क्या लिखेंगे? इट्स। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। पैडी इज ग्रोन बाय द फार्मर्स ऑफ दिस विलेज, एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, बाय के बाद में आ रहा है द फार्मर्स, ये क्या है हमारा सब्जेक्ट, ग्रो करना, ये क्या है हमारा वर्ब, क्या ग्रो कर रहे हैं? पैडी, ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो द फार्मर्स ग्रो पैडी, फार्मर्स, द फार्मर्स ऑफ दिस विलेज ग्रो पैडी। ठीक है, द फार्मर्स ऑफ दिस विलेज ग्रू पैडी, उगाई गई, पास्ट की घटना होगी, मतलब उन्हें उगाई थी। सो इनकरेक्ट है। द फार्मर्स ऑफ दिस विलेज हैव ग्रोन, अगेन इनकरेक्ट है। द फार्मर्स ऑफ दिस विलेज ग्रो पैडी, ठीक है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, कि वो ग्रो करते हैं, जेनरिक टर्म है, वो ग्रो करते हैं, अक्सर ग्रो करते हैं, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। देयर इज एन अबांडेंस ऑफ फर्टाइल सॉइल एंड मैग्निफिसेंट ग्रेजिंग लैंड, बोल रहे हैं कि भरपूर मात्रा में उपजाऊ भूमि और बहुत ही अद्भुत ग्रेजिंग लैंड, ग्रेजिंग लैंड मतलब जहाँ पे चरते हैं, चारा गाह जिसको बोलते हैं, चरने की जगह। ठीक है, तो एंटनिम बताना है अबंडेंस का, अबंडेंस का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, भरपूर मात्रा में, ठीक है, पर्याप्त से भी ज्यादा, राइट, तो अबंडेंस हो गया। अब फर्स्ट वर्ड है डर्थ, डर्थ का मतलब होता है कमी, किसी चीज का अभाव, तो अभाव अबंडेंस का एंटनिम हो गया, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। द वर्ल्ड इज गवर्न बाय सेवरल एलिमेंट्स, दुनिया जो है कई सारे तत्वों से मिलके बनी है, उन तत्वों को बोलते हैं एलिमेंट्स, क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स, तो एल वाई नहीं आएगा यहाँ पे, एन वाई आ रहा है,
एलिमेंट्स, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट कंटेन्स नो स्पेलिंग एरर, जिसमें कोई भी गलती नहीं है स्पेलिंग की, वो देखना है हमें सेंटेंस। एन एथिकल हैकर आइडेंटिफाई सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटीज, वल्नरेबिलिटीज नहीं वल्नरेबिलिटीज, सो दैट बिजनेस ओनर्स में एड्रेस, डबल डी आएगा, देम बिफोर अ बेलफुल हैकर अनकवर्स देम। यहाँ पे दो एरर हो गए, तो ये इनकरेक्ट है। एन एथिकल हैकर आइडेंटिफाइज, एथिकल यहाँ पे एथिकल की स्पेलिंग इनकरेक्ट है, हैकर आइडेंटिफाइज सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटीज सो दैट बिजनेस सिंगल एस आएगा ओनर्स, तो यहाँ पे भी दो एरर्स हो गए, तो ये भी इनकरेक्ट है। एन एथिकल हैकर आइडेंटिफाइज सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटीज सो दैट बिजनेस ओनर्स मे एड्रेस देम बिफोर अ बेलफुल हैकर अनकवर्स देम। ऑप्शन सी इज करेक्ट। हिज डीप स्टडी ऑफ द केस अनकवर्ड मोर प्रॉब्लम्स, बोल रहे हैं क्योंकि वो केस में इतना गहराई से स्टडी करता जा रहा था, करता जा रहा था, तो नई नई परेशानियां सामने आती जा रही थी। ठीक है, ओपन अ पेंडोरास बॉक्स, पेंडोरास बॉक्स मतलब और ज्यादा परेशानियों से भरा हुआ बक्सा खोल दिया। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे वो केस को और सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था, वो और ज्यादा परेशानियों में उलझता जा रहा था। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ही वॉज सिवियर इन हिज मैनर ड्यू टू हिज रिजिडली प्यूरिटैनिकल आउटलुक। अब प्यूरिटैनिकल का मतलब होता है बहुत ही स्ट्रिक्ट, बहुत ही मॉरल वैल्यूज वाला, हाई मॉरल वैल्यूज के एटीट्यूड वाला, सेल्फ इंटेलिजेंस से भी बचने वाला, उसमें भी सेंसरशिप रखने वाला, यानी कि बहुत ही कठोर एक तरीके से। तो बोल रहे हैं कि वो बहुत ही कठोर था इस तरीके से। तो क्या था सीवियर इन हिज मैनर, मतलब फर्स्ट है ऑस्टियर, ऑस्टियर मतलब बहुत ही कठोर स्ट्रिक्ट था। क्यों? क्योंकि उसके जो बहुत ही कठोर आउटलुक था, नजरिया था दुनिया को देखने का, इसलिए वो खुद के प्रति भी कठोर था। सो ऑप्शन ए ऑस्टियर इज करेक्ट। फेथफुल मतलब ट्रूथफुल, प्रिसाइज मतलब एकदम एक्यूरेट, ऑथेंटिक मतलब ओरिजिनल रियल। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। बैंगल, क्या स्पेलिंग होते हैं बैंगल के? BANGLE बैंगल। ये क्या है, एंगल या एंजल? ये है एंगल, ये है एंजल, जो परियां वगैरह होती हैं, ये एंगल है साइन थीटा कॉस थीटा वाला, राइट? और ये है बेगल, बेगल एक तरीके से डोनट ही, डोनट समझ लो आप एक तरीके का। ठीक है, राउंड सा होता है, बीच में होल होता है उसमें, तो जैसे कि हिंदुस्तानी वड़ा पाव होता है, वो स्वीट होता है, राइट? सो बेगल। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बैंगल की स्पेलिंग इनकरेक्ट है। अनएथिकल बिहेवियर लाइक सेइंग मीन और नास्टी थिंग्स इन इनटॉलरेबल इज इनटॉलरेबल टू अ नोबल पर्सन। तो एंटनिम बताना है किसका? अनवर्दी का। देखो अनवर्दी का मतलब होता है कि जो बिल्कुल ही नलायक है, अच्छा नहीं है, शेमफुल है, बड़ा ही बेकार है, डिसग्रेसफुल है। तो बोल रहे हैं कि किसी भी नोबल पर्सन के लिए अनएथिकल बिहेवियर जो है, जैसे कि गलत बातें बोलना, नास्टिक गलत कमेंट्स करना, वो इनटॉलरेबल है उसके लिए। ठीक है, तो किसके लिए इनटॉलरेबल है? नोबल के लिए। नोबल मतलब बड़ा ही सम्मानजनक, बड़ा ही इंटेलिजेंट, महान। तो अनवर्दी अगर नलायक है और नोबल अगर महान है, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? नोबल। ऑप्शन बी। ऑल्दो द ज्यूरी सिस्टम इज फंडामेंटली डैश, नो वन हैज एवर कम अप विद अ बेटर वन। बोल रहे हैं कि हालांकि ज्यूरी सिस्टम में बहुत ही ढांचागत क्या है, फ्लॉज हैं, कमियां हैं, त्रुटियां हैं, लेकिन फिर भी इसका ऑल्टरनेटिव कोई आज दिन तक लेकर नहीं आया। सॉर्टेड मतलब बिल्कुल ही सुलझा हुआ, अपीलिंग बहुत ही अच्छा दिखने वाला, मतलब बहुत ही प्लीजिंग लगने वाला, फ्लॉलेस बिना कोई कमियों के, फ्लॉड मतलब त्रुटि से भरा हुआ। तो ज्यूरी सिस्टम क्या था? फ्लॉड था। ही इज इन अ वेरी बैड सिचुएशन आफ्टर बींग कॉट विद ड्रग्स एट द स्कूल। तो इन अ वेरी बैड सिचुएशन को आपने नीचे दिए हुए फॉलोइंग में से सिलेक्ट करना है कि कैसे बेटर हम रिप्लेस कर सकते हैं। लास्ट रिजॉर्ट, लास्ट रिजॉर्ट का मतलब होता है जो अंतिम आपका प्रयास हो, अंतिम आपके पास सोल्यूशन हो,
बोलते हैं ना कि मेरे पास अभी भी ध्रुव का इक्का है, वो उसका लास्ट में बचा के रखता है, वो ध्रुव इक्का इक्का वो क्या है, लास्ट रिजॉर्ट है। इन डायर स्ट्रेट्स, इन डायर स्ट्रेट्स मतलब बहुत बुरी स्थिति में, तो इज इन अ वेरी बैड सिचुएशन मतलब क्या हो गया, बहुत बुरी स्थिति में, यानी कि इन डायर स्ट्रेट्स, ऑप्शन बी इज करेक्ट। स्क्वायर एन अकाउंट, स्क्वायर एन अकाउंट मतलब अपना जो भी सेटलमेंट है वो पूरा करना। एट क्रॉस पर्पसेस, इसका मतलब होता है एक दूसरे को गलत समझना या एक दूसरे का प्रयोग गलत करना, ठीक है, एक दूसरे की उद्देश्यों को गलत समझना, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इन डायर स्ट्रेट्स इज करेक्ट। अ फ्लोटिंग कंटेनर एंकर टू द सी बॉटम सो यूज्ड फॉर डायरेक्टिंग शिप्स एंड वार्निंग देम ऑफ पॉसिबल डेंजर। वन वर्ड सब्सटीट्यूट करना है, बोल रहे हैं एक तैरता हुआ कंटेनर होता है जिसको कि समुद्र के तट तल से जुड़ा हुआ होता है, एंकर होता है मतलब जुड़ा हुआ होता है, जिसका इस्तेमाल शिप्स को दिशा वगैरह दिखाने के लिए किया जाता है या फिर आने वाले संभावित खतरे के बारे में जानकारी देने के लिए किया जाता है। होता कैसा है, इस तरीके का राउंड कलर की रिंग होती है, ठीक है, इसके ऊपर ऐसे ट्रायंगल करके कुछ बना होता है और इस यहाँ पे इसको समुद्र के नीचे गहराई से बांधा जाता है, एंकर किया जाता है, ठीक है। इसके अंदर थोड़े से कुछ इक्विपमेंट्स भी रखे होते हैं जैसे कि फायर गन और दो कुछ और चीजें जैसे फर्स्ट एड किट या थोड़ी बहुत कुछ चीजें रखी होती हैं, ठीक है, वो भी इमरजेंसी पर्पस के लिए, अगर मान लो कोई ऐसे फंस गया या उसको बचाना है तो उस चीज के लिए रखा जाता है। इसको क्या बोलते हैं, बॉय, क्या बोलते हैं इसको, बॉय। सो ऑप्शन ए बॉय इज करेक्ट। अब यहाँ पे हेनरी हमें बताना है इडियम या फ्रेज का करेक्ट मीनिंग, तो स्टेटमेंट क्या है, हेनरी सेट ही वुड हेल्प विद द रेंट। हेनरी ने कहा कि वो रेंट के साथ मदद करेगा, रेंट देने में मदद करेगा, बट फिर लेकिन क्या हुआ, ही लेफ्ट मी इन द लर्च, लेकिन वो बीच मझधार में छोड़ के चला गया। टू कम्फर्ट समवन किसी को सांत्वना देना, टू डिजर्ट समवन किसी को छोड़ देना, टू इम्पर्सनेट समवन नकल करना किसी की, टू ब्लेम समवन किसी के ऊपर आरोप लगाना, तो क्या होगा ऑप्शन बी, टू डिजर्ट समवन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। माई नेबर हैज डिसाइडेड टू ज्वाइन द एयरफोर्स, मेरे पड़ोसी ने ये डिसाइड कर लिया है कि वो एयरफोर्स ज्वाइन करेगा। अब जब आपने डिसाइड कर लिया तो आपने क्या है, अपना मन बना लिया है, और मन बनाने को क्या बोलते हैं, मेड अप हिज माइंड। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। प्रेम सेड दैट ही हैड बीन लिसनिंग टू म्यूजिक फॉर एन आवर। प्रेम ने कहा कि वो एक घंटे से गाने को सुने जा रहा है, म्यूजिक को सुने जा रहा है, तो कंटिन्यूस फॉर्म में है, ठीक है, हैड बीन आ रहा है पास्ट कंटिन्यूअस, राइट, तो अब क्या आ जाएगा, प्रेम सेट इन्वर्टेड कॉमा, अब वो खुद को रेफर करेगा ना, मैं सुन रहा हूँ, फर्स्ट पर्सन में बात करेंगे हम, आई हैव बीन लिसनिंग टू म्यूजिक फॉर एन आवर। प्रेम सेट आई हैव बीन लिसनिंग टू म्यूजिक फॉर एन आवर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑल ड्राइवर्स आर अफेक्टेड बाय रोड रेज, रोड रेज मतलब सड़क पे कुछ ऐसी चीजें हुई जिनसे गुस्सा आ गया और फिर उस गुस्से में आपने कुछ कांड कर दिया, ठीक है, तो जितने भी ड्राइवर्स हैं वो रोड रेज से प्रभावित होते ही होते हैं, वेदर दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकता है, अफेक्टेड हो सकता है, ठीक है, या तो फिर उनको डायरेक्टली प्रभाव पड़ता है या इनडायरेक्टली प्रभाव पड़ता है, या फिर वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। इंडिविजुअल कोपिंग क्वालिटीज डैश द बिहेवियर ऑफ स्ट्रेसफुल ड्राइवर्स, किसी भी व्यक्ति की कितनी कोपिंग क्वालिटीज हैं यानी कि वो कितना समस्याओं से निपट सकता है, ये डिफाइन करता हो सकता है कि वो डायरेक्ट करेगा कि व्यक्ति का बिहेवियर कैसा होगा, स्ट्रेसफुल ड्राइवर का कैसा बिहेवियर होगा। इंस्टेड ऑफ बींग एनरेज्ड ओवर सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड देयर कंट्रोल, बजाय कि उन परिस्थितियों के ऊपर गुस्सा होने से जो कि उनके कंट्रोल से बाहर है, ड्राइवर्स डैश लर्न टू बी पेशेंट, तो उनको सीखना चाहिए ना, तो मस्ट लर्न टू बी पेशेंट ऑन दी रोड, वी मस्ट बी डैश टू कंट्रोल आर ओन इमोशंस। सड़क पे हमारे अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए कि हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकें। रोड रेज ड्राइवर्स आर ऑल्सो मोर लाइकली टू डैश मोर ट्रैफिक ऑफेंसेस, तो जो रोड रेज में इन्वॉल्व ड्राइवर्स होते हैं, रोड रेज जो गुस्से में सड़क पे किसी चीज़ की वजह से गुस्सा आ गया उन ड्राइवर्स को, वो ज़्यादा ट्रैफिक ऑफेंसेस करते हैं, मोर लाइकली टू डैश मोर ट्रैफिक ऑफेंसेस, यानी कि करने की बात की जा रही है, वो ज़्यादा ट्रैफिक का उल्लंघन करते हैं नियमों का। ऑल ड्राइवर्स आर अफेक्टेड बाय रोड रेज वेदर दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डैश, तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व, इन्वॉल्व नहीं आएगा, इन्वॉल्व आएगा,
ठीक है, सो ऑप्शन डी इन्वॉल्व इज करेक्ट, क्योंकि पैसिव फॉर्म में है तो पैसिव फॉर्म के लिए क्या आएगा, इन्वॉल्व. इंडिविजुअल कोपिंग क्वालिटीज डैश द बिहेवियर ऑफ स्ट्रेसफुल ड्राइवर्स. इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस मतलब प्रभावित करना, तो जाहिर सी बात है कि किस व्यक्ति में कितनी क्षमता है, सहनशीलता है, वो ही प्रभावित करेगा उसके स्ट्रेसफुल बिहेवियर को. ठीक है, इंक्रीज बढ़ोतरी, अप्लाई किसी चीज को लागू करना, और मल्टीप्लाई यानी कि बढ़ाना. तो यहाँ पे ऑप्शन ए इन्फ्लुएंस इज करेक्ट. इंस्टेड ऑफ बींग एनरेज्ड ओवर सर्कमस्टांसिस बियॉन्ड देयर कंट्रोल, ड्राइवर्स डैश लर्न टू बी पेशेंट, मस्ट लर्न टू बी पेशेंट. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. ऑट टू बी पेशेंट मतलब उनको होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे उनको सीखना चाहिए कि कैसे पेशेंस होना चाहिए. ठीक है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. ऑन रोड वी मस्ट बी डैश टू कंट्रोल आर ओन इमोशन. वी मस्ट बी एबल टू, हमें इस काबिल होना चाहिए कि हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकें. तो वी मस्ट बी एबल टू कंट्रोल आर इमोशंस. अनएम्प्लॉयमेंट कैन हैव सीरियस सोशल एंड इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज इंक्लूडिंग पावर्टी, क्राइम एंड सोशल डैश, सोशल इनक्योर. इनक्योर का मतलब क्या हो गया, कुछ कमियाँ, नुकसान. ठीक है, यह जिम्मेदारी उठाना. तो यहाँ पे ऑप्शन ए इनकर इज करेक्ट. सामाजिक दायित्व की बात कर सकते हैं, समाज को नुकसान की बात भी कर सकते हैं. ऑप्शन ए इज करेक्ट. प्रोसीड मतलब आगे बढ़ना, रिफ्लेक्ट मतलब अपनी ही छाया का दोबारा दिखना, रिफ्लेक्शन. ठीक है, और ड्रैग मतलब घसीटना. तो यहाँ पे ऑप्शन ए इनक्योर इनक्योर इज करेक्ट. दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग. बाय.